इसलिए उनको शरीकतुल हुसैन कहा जाता है। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का जिंदार, मुसीबत से उठाती रही, सख्तियां उठाती रही, कैद से रिहाई पाकर जब मेरी शहजादी को वापस लौटना था तो अपने घर मदीने नहीं गई, बल्कि पहले भाई हुसैन का चेहलुम करने करबला आई, शहदाए करबला का चेहलुम करने करबला आई, उसके बाद मदीने गई। मदीने जाने के बाद बीबी वीजादार से मदीने नहीं गई, दोबारा शाम आ गई और शाम में ही बीबी की शहादत थी। अब सोचते हो कि शाम में बीबी लौटी क्यों, क्योंकि जब रिहाई पाई अहले हरम ने, बीबी सकीना की शहादत वहाँ हो चुकी थी। बीबी में रवाब लिपटी हुई थी कब्र से, काफिला तैयार था जाने के लिए। बीबी जैनब ने बीबी उम्मे रवाब को कांधा हिलाया, आ भाभी चलिए रिहाई मिल चुकी है। बीबी में रवाब तड़प करके आती है, बीबी आपका एहसास होगा मुझे यहाँ रहने दो, मेरी बेटी अकेली है, मेरी सकीना की कब्र अकेली है। बीबी जैनब क्योंकि कुर्बानियाँ देती आ रही थी, कहा भाभी मेरा वादा है एक बार मेरे साथ वापस चलो, मैं वादा करती हूँ सकीना को तनहा नहीं रहने दूंगी, मैं तेरी सकीना के लिए सब कुछ छोड़ कर यहाँ। बैनुल हरमैन में कहता है, बीबी तेरा क्या मुकद्दर, तेरा घर मदीने में है, तेरा खानदान करबला में बिखरा हुआ है, बीबी तेरी कब्र यहाँ है। बीबी अब तो करबला आबाद हो चुकी है, बीबी अब तो करबला आबाद हो चुकी है, कितने जायरीन आ रहे हैं, बीबी तू अभी भी भाई से बिछड़ी हुई है। अब गिरिया करना और मातम करना, गिरिया करना एहसास के साथ सुनना कि बीबी के रुमाल में आंसू हदिया कर सके। एहसास रुलाता है दिल भी से कहता है, ए बिंदे अली ए खबरे हसन एक संतोह
एक जा पर भाई बहन रहते करते न बिछड़ कर मैं